चलो भाभी भाभी गौरी जल्दी से पानी लेके आओ। भाभी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, तुम रुको। भाभी चलिए खड़े होइए। भाभी अब आपको धूप लगी है, सर्दी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा। खड़े होइए गौरी। नहीं गौरी होइए, चलिए। नहीं गौरी तुझे जाने तो तू जा, भाभी नहीं जाएगी। भाभी जाएंगी। नहीं भाभी नहीं जाएगी। भाभी चक्कर आ जाएंगे। भाभी भाभी आप चल रही है कि मैं भैया को फोन करके आपको वापस भिजवा दूं? नहीं नहीं तुलिका रहने दे, चलते हैं हम। पर हाँ तुलिका, इस घर में ना हमें बहुत आराम मिला। ये घर तो हमारे लिए स्वर्ग के जैसा था। झूठ कहे तो कहो तुलिका, स्वर्ग क्या समझो, ये हमारे लिए मंदिर ही था। और तुम इस मंदिर की देवी तुलिका, पर होनी को कौन टाल सकता है? होनी सबसे बलवान है तुझसे। Who is this होनी now? अब जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, अभी दिखाती हूँ। वेट। ये रहा तुम्हारा बैग, तुम्हें जाना है तो जाओ, भाभी कहीं नहीं जाएंगी। झूठ कहे तो कहो गौरी, वैसे जाने का मन तो मेरा भी था, पर तुलिका इतना जिद कर रही है ना, तो हम धर्म संकट में पड़ गए हैं। चाहते तो हम भी थे कि तुम रुक जाओ, पर जा रही हो तो जाओ। गौरी तू कितनी ढीठ है, अपने आप को इतना महान क्यों समझती है? अपनी एक बेवकूफ फ्रेंड को माफ नहीं कर सकती क्या? गौरी आई लव यू। गौरी आई मीन वी ऑल लव यू। रुक जाना यार प्लीज, तू जो किराया नए मकान में देगी वो तुलिका को दे देना ना। वैसे तुलिका कोई सही कह रहा था कि घड़ी जहाँ पहले थी वही अच्छी लग रही थी। देख गौरी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मैं ऐसे किसी वास्तु को फॉलो नहीं करना चाहती जो मुझे मेरी फ्रेंड से छीन ले। हेलो गगराज सर, तुम्हारा जो मकान था ना वो फाइनल हो चुका है। एवरीथिंग इज सेट, बस तुम जल्दी से आ जाओ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट परी, बट आई थिंक मुझे मेरा घर मिल गया है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। सॉरी। ओके थैंक यू बाय। आई लव यू गौरी।